हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। WWE और रेसलिंग से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल SS Live TV इंडिया को सब्सक्राइब करें और पास आए बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो को लास्ट तक देखें बिना स्किप किए। जी हां दोस्तों, चार कारणों से WWE रेसलमेनिया 39 में रोमन रेंज वर्सेज कोडी रोड्स वर्सेज सैमी जेन ट्रिपल थ्रेड मैच होना चाहिए। WWE में इस समय रेसलमेनिया 39 की स्टोरी लाइन्स को जबरदस्त तरीके से बिल्ड किया जा रहा है। इस बीच सबकी नजरें इस बात पर टिकी होंगी कि अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच किन सुपरस्टारों के बीच होता है, क्योंकि मेनिया से पूर्व एलिमिनेशन चैम्बर 2023 में रोमन रेंज को सैमी जेन के खिलाफ अपने टाइटल को डिफेंड करना है। दूसरी ओर 2023 मेंस रॉयल रंबल विजेता कोडी रोड्स पहले ही रेसलमेनिया 39 के मेन इवेंट की टिकट कटा चुके हैं, लेकिन फैंस जेन को इस स्टोरी लाइन से बाहर होते नहीं देखना चाहेंगे। इसलिए आइए जानते हैं उन चार कारणों के बारे में जिनसे रेसलमेनिया 39 में रोमन रेंज वर्सेज कोडी रोड्स वर्सेज सैमी जेन मैच होना चाहिए। सैमी जेन WWE रेसलमेनिया 39 के मेन इवेंट में रोमन रेंज के खिलाफ रहना सबसे ज्यादा डिजर्व करते हैं। जी हाँ दोस्तों, सैमी जेन ने रेसलमेनिया 38 के बाद द ब्लडलाइन से जुड़ने की कोशिश शुरू की थी और आगे चलकर वो इस ग्रुप के हॉनरी मेंबर बने। जेन ने इस स्टोरी लाइन में चार चांद लगा दिए थे, लेकिन उनके इस अलायंस का अंत रॉयल रंबल 2023 में हुआ, जहां जेन ने रोमन रेंज पर अटैक कर दिया था। पिछले करीब एक साल के दौरान जेन के प्रोमो सेगमेंट और जे उसो के साथ उनके एंगल ने खूब सुर्खियां बटोरी। कई दिग्गजों ने भी जेन और द ब्लडलाइन स्टोरी लाइन की तारीफ की है, इसलिए इसके अंत के लिए रेसलमेनिया ही एक आदर्श इवेंट नजर आता है। हालांकि इस फ्यूड का मेनिया के बाद भी जारी रहना WWE के हाथों में है, लेकिन इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि सैमी जेन इस बार रेसलमेनिया मेन इवेंट में रहना सबसे ज़्यादा डिजर्व करते हैं। वहीं मेनिया में कोडी रोड्स की मौजूदगी से ये ट्रिपल थ्रेड मैच धमाल मचा सकता है सैमी जेन को पहली बार WWE चैंपियन बनाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, सैमी जेन कई सालों से WWE में काम कर रहे हैं और इस दौरान NXT चैंपियन बनने और ICC टाइटल जीतने जैसी उपलब्धियां हासिल की हैं। वहीं पिछले एक साल से जेन ने दिखाया है कि वो किसी स्टोरी लाइन को किस हद तक दिलचस्प बना सकते हैं। जेन इन रिंग स्किल्स से लेकर माइक स्किल्स तक एक संपन्न प्रो रेसलर प्रतीत होते हैं। वो दुर्भाग्यवश इतने प्रतिभाशाली होने के बावजूद अब तक वर्ल्ड चैंपियन नहीं बन पाए हैं। हालांकि उनके पास एलिमिनेशन चैम्बर 2023 में रोमन रेंज को हराकर चैंपियन बनने का मौका होगा, लेकिन ट्राइबल चीफ के मोमेंटम को देखते हुए उनकी हार की उम्मीद कम है। रोमन रेंज के टाइटल रन के अंत की उम्मीद रेसलमेनिया 39 में की जा रही है, इसलिए जेन को चैंपियन बनाने के लिए उन्हें कम से कम मेनिया तक इस स्टोरीलाइन का हिस्सा बनाकर रखना चाहिए। केवल एक मैच देखकर सैमी जेन को चैंपियनशिप स्टोरीलाइन से बाहर नहीं किया जाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि सैमी जेन ने द ब्लडलाइन की स्टोरीलाइन को अधिकांश रोमांच बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एलिमिनेशन चैम्बर 2023 में रोमन रेंज को अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करेंगे, लेकिन इस बात में कोई संदेह नहीं है कि उन्हें इस समय क्राउड से जबरदस्त सपोर्ट मिल रहा है। जेन की स्टार पावर से जबरदस्त उछाल हुआ है और सबसे खास बात यह है कि अगर उन्हें रेसलमेनिया में मैच दिया गया तो ज़्यादा लोग उनके मैच को देखने आएंगे। वहीं इतना अच्छा मोमेंटम होने के बाद भी उन्हें केवल एक मैच देकर स्टोरी लाइन से बाहर कर देना नाइंसाफी होगी रोमन रेंज को क्लीन हार से बचाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, अगर एलिमिनेशन चैम्बर 2023 में सैमी जेन को हराकर रोमन रेंज अपने टाइटल को डिफेंड कर पाए तो उन्हें रेसलमेनिया 39 के मेन इवेंट में कोडी रोड्स के खिलाफ चैंपियनशिप बेल्ट्स को डिफेंड करना होगा। काफ़ी समय से ये बातें तूल पकड़ रही हैं कि इस साल मेनिया में ट्राइबल चीफ का टाइटल रन खत्म होने वाला है। उन्हें अगर चैंपियनशिप हारने के लिए बुक किया जाए तो भी उन्हें कमज़ोर दिखाना कंपनी के लिए सही नहीं होगा। सैमी जेन इस स्टोरी लाइन से बने रहना डिजर्व करते हैं और अगर उन्हें मेनिया में चैंपियन बनने के लिए ना बुक किया जाए तो भी उन्हें रोमन को क्लीन हार से बचाने के लिए हर मोहरे के रूप में इस्तेमाल किया जाना कोई चौंकाने वाली बात नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, WWE और रेसलिंग से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल SS Live TV इंडिया को सब्सक्राइब करें और पास आए बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।